students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, as you all know that I was explaining you fractions. So today in this video, I will be explaining you about equivalent fractions. And then we will continue to the questions from exercise 5B. ठीक है, exercise 5B में कुछ questions हैं जो रह गए हैं. I am going to do that question also. But first, I want to explain equivalent fractions to you. So students, how do we obtain equivalent fractions? For example, a fraction 2/3 is written. So if you want to write the next four equivalent fractions, if you want to write the next four equivalent fractions, then how will you write equivalent fractions? तो आप कैसे लिखेंगे? You have to multiply the न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद द सेम नंबर. अगर वन से कर रहे हो तो दोनों को वन से करोगे, टू से कर रहे हो तो टू से करोगे. वन से करने पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देर इज नो चेंज इन द वैल्यू व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय वन. दैट इज व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय टू. सो टू टू ज फोर, थ्री टू ज सिक्स. ये आपका पहला फ्रैक्शन हो गया इक्विवेलेंट. अब आपको अगला जो लिखना होगा उसमें आप 4 अपॉन 6 में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, टू द सेम फ्रैक्शन. व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई? नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3. सो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9. नाउ द नेक्स्ट वन विथ विच नंबर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई? 4 4. 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12. नाउ वी हैव टू राइट वन मोर. एक और लिखना है. Now I am going to multiply it with 5. So 2 5s are 10, 3 5s are 15. Now how these fractions are said to be equivalent? इन्हें equivalent कैसे कहेंगे? Why do we call them equivalent fractions? Why I have put the sign is equals to in between them? ये fractions equivalent होंगे क्योंकि जब आप इनको simplify करेंगे तो आपको यही same value obtain होगी. You will get the same value. Let's check. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 अपॉन 3 मिल गया आपको. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, अगेन यू हैव गॉट 2 अपॉन 3. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, अगेन यू हैव गॉट 2 अपॉन 3. नाउ कमिंग टू दिस वन, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, अगेन यू हैव गॉट 2 अपॉन 3. सो दैट इज व्हाई दीज फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एंड दिस इज हाउ यू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? Now let's begin the exercise questions. If there will be something more about equivalent fractions, I will explain you later on. मैं आगे आपको समझाऊंगी. Now let's begin the questions from the exercise. So which exercise we were doing? We were doing exercise 5B. हम लोग exercise 5B पे थे, right? One query was there from Aarti Keval Ramani. She don't know how to represent the fractions on the number line. तो अभी जब मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके नंबर लाइन के भी आएंगे. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एट दैट टाइम. आप उसी वक्त समझ लीजिएगा इसको. तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर फाइव और 6 दोनों हो चुके थे आपके. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने किया है या नहीं किया है? वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6 और नॉट? लेट मी चेक फर्स्ट. यस स्टूडेंट्स, वी हैव नॉट डन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. देर आर 8 ऑप्शंस. मैं लास्ट के 4 ऑप्शंस करूंगी, बाकी के 4 फर्स्ट 4 ऑप्शंस विल बी योर होमवर्क. सो आई एम सॉल्विंग फ्रॉम 5th ऑप्शन. 81 अपॉन 11, ये आपका 5th ऑप्शन है. नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन? सो व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ रफ कॉलम. आप यहाँ पे रफ कॉलम में 81 को 11 से डिवाइड करेंगे. देन जब आप डिवाइड करेंगे तो यू ऑल नो दैट या तो 81 या उससे कुछ कम. सो 11 7 ज़ा 77, आपका 4 रिमाइंडर बचा. नाउ द रिमाइंडर बिकम्स द न्यूमरेटर, राइट? एंड 11 इज ऑलरेडी द डिनोमिनेटर, सो इट विल बी द डिनोमिनेटर. दिस क्वेश्चन बिकम्स द होल पार्ट. सो द आंसर इज 7 4 अपॉन 11, राइट? ऑप्शन नंबर 5 इज डन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 6.
इट इज 87 अपॉन 16. क्या है ये ऑप्शन आपका? 87 अपॉन 16. तो लेट्स डिवाइड 16 बाय 87. तो 16 के टेबल में 87 या उससे कम क्या आता है? तो वी ऑल नो दैट 16 फाइव्स आ 80. व्हाट डू वी नो? 16 फाइव्स आ 80. नाउ दिस न्यूमरेटर विल बिकम द सॉरी दिस रिमाइंडर विल बिकम द न्यूमरेटर, दिस डिविजर विल बिकम द डिनोमिनेटर एंड दिस क्वेश्चन विल बिकम द होल पार्ट. So the answer is 57 upon 16. Now coming to the seventh option. Seventh option is 103 upon 12. अब आप 12 को 103 से डिवाइड करेंगे तो वी ऑल नो दैट 12 नाइन्स आर 108. सो 12 एट्स आर 96. 12 8 जा 96, what will be the remainder? आपका remainder जो बचेगा वो बचेगा 7. तो remainder is the numerator. ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप remainder लिखते हो तो that is numerator, denominator तो change हुआ नहीं, जो question आया वो आपका whole part हो जाएगा. So the answer is 87 upon 12. Now the last option of this question is left, that is 8th option. So let me do that. All the questions solved in the video are your classwork. So, last option is 117 upon 20. 117 upon 20. So, let's divide 117 by 20. 25 is a 100. 17 remainder bacha aapka. Remainder becomes the numerator. This is going to become the denominator. The question is going to become the whole part. So the answer is 5 whole 17 upon 20. अब ये जो मैं whole बोल रही हूँ, that whole is whole. Please don't consider this one. This is wrong. Okay? Since the pronunciation is same, so don't get confused. Now let's begin the next question without wasting time. So the next question is question number 7. Fill up the blanks with greater than, less than or equal to. तो आपको बताना है कि ये जो filling the blanks का question है, ये आपको एक मैंने concept explain किया था that every proper fraction was less than 1 or more than 1. अगर आपको याद है तो please pause the video and reply to me in the comment section. Please video को pause करिएगा और comment section में reply दीजिएगा. Yes, every proper fraction is less than 1. सभी proper fraction 1 से छोटे होते हैं. Now, what are proper fractions? If you know the definition, please pause the video and reply to me in the comment section. क्योंकि आपका ये question इसी से जुड़ा है. Very good students. So, proper fractions are the fractions wherein the numerator is less than the denominator. यानी numerator denominator से छोटा हो तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर होता है, और हर प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 1. सो लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 1/2 and 1. तो 1/2 किस तरह का फ्रैक्शन है? प्लीज टेल मी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर. इफ यू नो द आंसर प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, और हर प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से क्या होता है? छोटा होता है. सो दिस इज द आंसर. सेकेंड ऑप्शन, ये भी आपका उसी पे बेस है. 3/4 इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन? सिंस द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो लेस देन 1. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कमिंग टू थर्ड ऑप्शन, ये भी आपका कुछ इसी तरह से है. 1/6/7. Since 6/7 is a proper fraction. Why 6/7 is a proper fraction? Because the numerator is less than the denominator. And we know that every proper fraction is less than 1. So 1 bada hoga aapka yahan pe. Coming to the fourth option. 6/6. Now tell me 6/6 is which type of fraction? If you know the answer, please pause the video and reply to me in the comment section. 6/6 kis tarah ka fraction hai? 6/6 is an improper fraction.
Now why 6/6 is an improper fraction? उसके लिए आप मुझे बताइए what are improper fractions. If you know the answer, please pause the video and reply to me in the comment section. Improper fractions are the fractions where the numerator is greater than or equal to the denominator. या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा. तो here the numerator is equal to the denominator. जब आप इसको simplify करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा. तो 1 की value 1 के बराबर होगी. So the answer will be equal to. आपका जो यहाँ साइन आएगा वो आएगा इक्वल टू का. क्लियर? ठीक इसी तरह ऑन द सेम बेसिस कमिंग टू द फिफ्थ ऑप्शन 3016/3016. अब आपका जब ये सॉल्व होगा 1 इक्वल टू का साइन आएगा. किसका साइन आएगा? इक्वल टू. नाउ कमिंग टू द सिक्स वन 11/5. नाउ टेल मी 11/5 इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन. If you know the answer, please pause the video and reply to me in the comment section. Yes, 11/5 is an improper fraction. The numerator is greater than the denominator, or every improper fraction is less than 1. Sorry, not less than 1, greater than 1. क्योंकि proper fraction जो है आपका 1 से छोटा होता है, improper fraction 1 से बड़ा होता है. So I hope you all must know how to compare in the options where the proper and improper fractions are given. अब आप आसानी से compare कर सकते हो. Now coming to the 8th question. आरती केवल रमानी, here comes your query. You have asked me about how to represent the fractions on the number line. है ना? कैसे represent करेंगे? तो let me explain you representation of fractions on number line. Representation of fractions on number line. So this is question number 8. So question number 8, first option is 1/4, 1/2, 3/4, 4/4. 1/4, 1/2, 3/4 and 4/4. So we have to represent all these 4 on the number lines. So let's begin students without wasting time. So students, as you all can see that one fraction is 1/2, rest all are having 4 as the denominators. तो बाकी के 3 तो like fraction है, ये वाला आपका like fraction नहीं है. तो now I will be explaining you two methods. दो तरीके बताऊंगी, दोनों में से जो आपको suitable लगे वो आप use कर सकते हैं to represent them on the number line. So the first method is to convert all the fractions into like fractions. तो आपको LCM लेना मैंने सिखाया है. तो all the denominators are 4, this denominator is 2. तो अब आप बताइए जब आप 2 और 4 का LCM लेते हैं तो what is the LCM of 2 and 4? It is 4 only. तो आप इसको 4 बनाने के लिए किससे multiply करेंगे? 2 से multiply करेंगे. So now it is 1/4, 1 2s are 2. So 2/4, 3/4 and 4/4. एंड 4/4 को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दीज ऑन द नंबर लाइन. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिविजन्स. पहला पॉइंट आपका ओ होगा. नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन ऑल द फ्रैक्शंस? द डिनोमिनेटर इज 4. सो नंबर ऑफ डिविजन्स विल बी 4. हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में. 1, 2, 3, 4. तो जो लास्ट वाला है वो आपका होगा 4/4, दैट इज इक्वल्स टू 1. ये होगा आपका 1/4, दिस इज 2/4 एंड दिस इज 3/4. सो आई हैव रिप्रेजेंटेड ऑल द फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अब मैं आपको सेकेंड ऑप्शन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. जो आपका लास्ट पॉइंट है आप उसे ए नाम देंगे. ठीक है? जो लास्ट पॉइंट है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज 1/8, 2/8, 3/8, 5/8 एंड 7/8. राइट? अब इसमें 1 कौन सा होगा? वो होगा आपका 8/8 इज इक्वल्स टू 1. पर ये आपको दिया नहीं गया है. राइट? सो नाउ मेक अ स्ट्रेट लाइन. 0 विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट. Now after 0, how many divisions we have to make?
what is the denominator? The denominator is 8. So number of divisions is equals to 8. Jitna denominator, utne hi aapko division karne honge. Right, students? So we have to make 8 divisions. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yahan pe aapka 8 upon 8 is equals to 1 aayega, and this point is A point. Ye kaun sa point hai? A point. But we don't have to represent this. To aap 8 upon 8 ki jaga 1 likh lijiye direct. Now coming to this one. 1 upon 8 aapka point ho gaya. Then 2 upon 8. 3 upon 8. अब 4 तो दिया नहीं है, तो you have to leave this fourth option. 1, 2, 3, 4. Fourth वाले को छोड़ के आप, now you will come on fifth point. So this is 5 upon 8. 6 को छोड़ के अब आपको कौन से point पे आना है? 7 upon 8. Right? So this is how you are going to represent the fractions on the number line. Okay? So students, the third option is 2 upon 5. 3 upon 5, 4 upon 5, and then 8 upon 5, right? So we all know that 2 upon 5, 3 upon 5, 4 upon 5, 4 upon 5 ke baad jo 5 by 5 hoga, that will be equals to 1. Theek hai? 5 by 5, the value of 5 by 5 is equals to 1. Now coming to this 8 upon 5, iski value kya hogi? 1 se zyada hogi. Why it is more than 1? Because this is an improper fraction. Kaisa fraction hai? Improper fraction है. तो मैं आपको पहले ये तीन represent करके बताती हूँ. Let me represent these three options. Then I will explain you the fourth one. So make a straight line. Zero will be the starting point. And what is the denominator? The denominator is 5. So the number of divisions will be 1, 2, 3, 4, 5. तो ये आपका 5 by 5 है. जो होता है आपका 1. ये तो आपको represent करना नहीं है. Now what you have to represent? 2 upon 5, तो 1 upon 5 तो करना नहीं है, 1, 2. So this is 2 upon 5, 3 upon 5, and this is 4 upon 5. 1, 2, 3, 4, 5 upon 5 is equals to 1. So 2 upon 5, 3 upon 5, 4 upon 5. Now the last one is remaining. This is 8 upon 5. And since this is an improper fraction, तो ये आपका 1 से बड़ा होगा. तो आप इसको सॉल्व करेंगे. आप इसको डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 5 वन ज़ा 5. आपका 3 रिमाइंडर बचा. आप पॉइंट लगा के 0 आप बढ़ाएंगे. 5 सिक्स ज़ा 30. डेसिमल वाला डिवीजन आपने सीखा होगा, राइट, इन योर प्रीवियस क्लासेस. सो 5 सिक्स ज़ा 30. अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1.6. यानी ये 1 से कितना आगे है? 0.6 आगे है, 0.6. तो 1 तो आपका ऑलरेडी है ऑन द नंबर लाइन. तो आपको अच्छी तरह से पता है, व्हेन यू आर यूजिंग अ स्केल, वंस यू सी द स्केल, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2. 1 और 2 के बीच में टोटल ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जो 10th वाला होता है वो आपका 2 होता है, राइट. तो अभी हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना था? 1.6. तो आपका 1.6 कहाँ पे आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this point is 8 upon 5. This point is called 8 upon 5. और आप इस 2 option को A point देंगे, जो last होगा आपका, ठीक है? So I hope you must have understood how to represent the fractions on the number line. Aarti Keval Ramani. If still there is any query, any doubt, you can comment down in the comment section. I will be explaining you. Okay? So students, now today I have not given you, I have given only 4 options as homework. वो homework है आपका question number 6, exercise 5B, first 4 options. Question number 6, first option, second option, third option and fourth option is your homework. Rest everything which I have explained in the video, excluding that equivalent fractions. Equivalent fractions को छोड़ के, जो भी exercise के questions हैं, question number 7 you have to do in the maths book. Question number 7, do it in the book with the help of pencil. Rest of the questions you have to do in the class for copy. And yes, the number line will be made with the help of pencil and scale. Aap pen use karke number line nahi banayenge. It should be neat and clean. It should be proper. So I hope you must have understood. Agar aapko samajh mein aaya, to video ko like karke jayega. Thank you students. Have a great day ahead.
subscribe the channel and press the bell icon.